स्पेशल डे है, क्या स्पेशल डे है। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। और आज भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा माने तो बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमारे सामने वालों का मकान भी नहीं दिख रहा है। और मुझे उठे हुए एक घंटा हो गया है, नहा भी ली हूँ और गर्म पानी पिया, लकी को फ्रेश करवाया, अपने कॉफी बना के पी, और गैस पे मैंने छोले उबलने रख दिए हैं। आज का तो भाई बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है, और क्या स्पेशल व्लॉग होने वाला है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज का दिन स्पेशल क्यों है और व्लॉग भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो जुड़े रहना मेरे साथ पूरे व्लॉग में, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है आज का व्लॉग। तो किचन में लगने से पहले मैंने सोचा आप लोगों से राधे राधे बोलना तो बनता है, तो धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ। हस्बैंड जी सो रहे हैं तो खुटपुट नहीं करनी चाहिए, किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो भाई अभी चलेंगे किचन में और किचन का मोर्चा संभालेंगे, और काम भी ज़्यादा है, कुछ स्पेशल गेस्ट भी आने हैं, तो कौन आएगा वो मैं दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलो किचन में चलते हैं। देखो यहाँ पर पूरी बनाने के लिए घी डाल दिया कढ़ाई में, और ये हलवा बना दिया है, और यहाँ पे ये छोले और ये पनीर की सब्जी है, और यहाँ पे आटा भी गो दिया है। तो तैयारी कर ली मैंने पूरी, और पूजा वगैरह भी कर ली है, तो आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या करना है। तो इसकी डिटेल मैंने क्योंकि दी नहीं, कभी फिर कभी डिटेल में डालूँ इसकी वीडियो, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो वीडियो बनाते तो मैं ज़्यादा लेट हो जाती। और हमारी जो है ना तैयारी सारी हो गई है, हलवा बन गया और छोले, एक पनीर की सब्जी बना दी है, पूरी बनाने के लिए घी डाल दी है कढ़ाई में, और यहाँ पे सारा ये सामान रखा हुआ। बेसिकली आज हम करवा रहे हैं हवन, कई महीने से सोच रहे थे, नहीं कई महीने हो गए करवाई हुए, कई दिन से सोच रहे थे, तकरीबन एक महीना हो गया सोचते सोचते, तो आज उसका मुहूर्त निकला है, तो आज करवाएंगे हवन। और हवन जो है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, वैसे थोड़ा थोड़ा मैं डेली करती हूँ, लेकिन जो एक पूर्ण हवन होता है ना वो आज करवाएंगे पंडित जी को बुला के। तो पंडित जी रास्ते में है और हस्बैंड जी उनको लेने गए हुए हैं, क्योंकि उनको यहाँ का रास्ता नहीं पता है, तो उनको सिटी से बाहर मिल जाएंगे तो वहाँ से ले आएंगे। और अभी सारी तैयारी होगी है, तो अभी बच्चे हैं उनको भी बोल दिया है वीडियो कॉल पे आ जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑफिस का काम इतना होता है, बेटे की भी ड्यूटी है, बेटे की भी है, बहू की भी ड्यूटी है, तो वीडियो कॉल पे वो लोग आ जाएंगे। तो और काफ़ी दूर दूर रहते हैं तो सबका इकट्ठा होना मतलब कई बार पॉसिबल नहीं होता है, जब वो यहाँ होते हैं आते हैं तो इकट्ठे हवन करवा देते हैं। और घर में ना कम से कम नहीं ना तो साल में तीन चार बार हवन जरूर करवा लेना चाहिए, एक पॉजिटिव वाइब्स भी महसूस होती है, और मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगता है हवन करवाने के बाद, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अभी पंडित जी आ जाएंगे और फिर मतलब ये लगा लो कि धुंध बहुत ज़्यादा है ना, और काफ़ी दूर से आ रहे हैं, तकरीबन शायद 3-3.5 घंटे का रास्ता है उनका, और आज धुंध बहुत ज़्यादा है इसलिए भी काफ़ी लेट हो गए होंगे, तो शायद आ जाएंगे, शायद हम 10-10:30 बजे के आसपास शुरू कर देंगे। तो अभी मेरी पूरी तैयारी होगी है, मैं 6 बजे के आसपास उठी थी, तो तब से मैं काम में लगी हुई हूँ, और टाइम हो गया 9:45, तब से मैं काम में लगी हुई हूँ। और चलो लकी को भी पेडिग्री दे दी है और मैं खाली पेट हूँ, तो क्या होता है कि कई बार हवन पे ना पंडित जी ऐसे बोल देते हैं कि भी खाली पेट है या नहीं है, तो हस्बैंड ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं खाली पेट हूँ, तो उनसे जो है ना सुबेरे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद उनको ब्रेकफास्ट चाहिए, और मैं रुक जाती हूँ ऐसे। हाँ मैंने कॉफ़ी ज़रूर पी ली है, तो उसके बगैर तो मेरे सिर में दर्द हो जाएगा। तो अभी बस उनके आने की वेट कर रहे हैं, और
धुंध बेसिकली हद से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उनको भी बोला था मैंने, कहा जी थोड़ा सा ना ध्यान से आना, वैसे तो हर कोई अपना ध्यान से ही चलता है, लेकिन फिर भी एक एक ये तो एक व्यवहार होता है जो भी एक दूसरे को बोलते हैं भाई अपना ध्यान रखना। तो आप लोगों को भी बोल रही हूँ अपना सब ध्यान रखना है। यहाँ पे हवन होने के बाद का ये थोड़ा सा मैं कैप्चर कर रही हूँ, तो आप लोग भी दर्शन कर लो और सबको भगवान खुश रखे, और घर में ना बहुत ही अच्छी खुशबू होगी पूरे घर में। अभी जो है पंडित जी भी जा चुके, हवन का काम पूरा हो गया था और वो छोटी सी क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और बाकी बस कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, और जो ट्राइपॉड पे है वो बच्चों को के साथ वीडियो कॉल पे थे। तो अभी टाइम हो गया है 1:10, और हमने भी खाना खा लिया है। अभी मैं दिखाती हूँ यहाँ की किचन, तो मैंने साफ कर दी है और अब ये इतने सारे बर्तन हो गए हैं वो मैं साफ करूँगी, और ये जो है ये भी हमने इकट्ठे कर दिए हैं, और यहाँ पे ये जोत जला रखी है और इसको 24 घंटे मतलब मैं चलाए रखूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ से ऑर्गेनिक गुड़ और शक्कर मंगवाए थे हमने जहाँ पंडित जी रहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। तो यहाँ का भी पूरा हमने संगवा दिया है, और इनको मैं अभी क्लीन करूँगी, और ये सारा हो चुका है। आज मैंने दूध भी गर्म करने का मुझे टाइम नहीं लग गया, बाकी ठंड बहुत ज़्यादा है तो ख़राब तो होगा ही नहीं, तो ये काम कर लेती हूँ। और फिर आज की तो वीडियो भी अपलोड नहीं हुई है सुबह, जो कि 8 बजे मैं अपलोड कर देती थी, बस काम ज़्यादा था। और पूरे हवन की तो जो वीडियो जो है आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई था ही नहीं। तो चलो कोई ना, एक बार छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर दी, आप भी भगवान को जय कर लेना, और मैं दिखाती हूँ आपको। आप लोग जय कर सकते हो, जय माता दी, जय माता दी, राधे राधे, राधे राधे। तो चलो ये मैं काम कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद देखती हूँ मैं क्या करूँगी। अब यहाँ पे टाइम हो गया था, मैं घूम के आ चुकी थी, 6:30 का टाइम था यहाँ पे। तो आज कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ ली भी नहीं थी, क्योंकि वैसे ही पेट भरा भरा था, तो जो प्रसाद लिया था वही थोड़ा सा हैवी हो गया था। तो अब यहाँ पे आके मैंने अपने लिए बना लिया कॉफ़ी, और हस्बैंड के लिए बना ली थी चाय, और वे बोल रहे थे कुछ इस चाय के साथ है ना कुछ मीठा और नमकीन ला दे, तो मैं वहीं प्रसाद वाले जो लड्डू थे वो दे दिए, और ये बनाना चिप्स बना रखी हैं तो वो निकाल रही हूँ मैं। तो यहाँ बैठ के, और आज टीवी भी ऐसा खास चलाया नहीं था, तो आज अभी टीवी देखते हुए और हम दोनों, मैं कॉफ़ी पीऊँगी और हस्बैंड जी जो है वो चाय पियेंगे। और आज मन इतना खुश हो रहा है ना हवन करवा के, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, और इतनी ज़्यादा खुशबू होगी ना पूरे घर में, बहुत ही अच्छी सी खुशबू होगी। और जैसे सारा दिन लगी रही ना मैं काम में, तो वो थकान भी फील नहीं हो रही है, इतना अच्छा मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स महसूस हो रही है। तो खाने का भी बस ऐसा ही है, शायद ना भी खाएं शायद बना भी ले, अभी यहाँ पे उसी के बारे में बातचीत तो कर रहे थे। अभी मेरा काम पूरा हो गया है ख़त्म, और आज बेसिकली सवेरे तो ये लग रहा था कि काफ़ी लंबा जो है व्लॉग बनेगा, लेकिन बनाइए छोटा, क्योंकि एक तो जैसे हवन करवा रहे थे ना उस टाइम पे कैप्चर करने वाला कोई नहीं था, यानी मतलब वीडियो बनाने वाला, ठीक है, और दूसरा जो है खाना जो बनाया था यानी जो प्रसाद जो मैंने बनाया था वो मैं इतना ज़्यादा बिजी थी, तो उसकी डिटेल वीडियो कभी और मतलब उसकी रेसिपी कभी और देऊँगी आप लोगों को। तो अगर वीडियो बनाने लग जाती तो फिर हवन के लिए लेट हो जाती। तो अभी हमने बिल्कुल एक एक रोटी बिल्कुल ये लगा लो कि चटनी के साथ खाई है, मतलब मीठी मीठी सी भूख थी,
तो इसलिए केक रोटी खाई है, क्योंकि दोपहर में जो प्रसाद लिया था ना वो काफ़ी हैवी हो गया था, तो इतना हैवी खाना खाने की वैसे बेसिकली आदत है नहीं, तो इसलिए काफ़ी हैवी हो गया था। तो थोड़ी सी शाम को कॉफ़ी भी पी ली थी, तो अभी ऐसी कोई भूख नहीं थी, तो इसलिए बस मीठी मीठी सी भूख थी, तो सिर्फ एक एक रोटी मल्टीग्रेन आटे की और चटनी के साथ खाई थी। तो अभी मैं किचन का सारा काम कर आई हूँ, और आज वीडियो एडिट भी नहीं हुई, और दूसरे चैनल की तो 3 से 4 दिन हो गए डली नहीं है। तो अभी मैं एडिटिंग करूँगी और इस व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। होप आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो जाते जाते लाइक कर जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक क्या करना है, अपने और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ मतलब आप लोगों से करना चाह रही हूँ कि जैसे घर पे ना अपने मतलब ये नहीं कि भई आपके पास आप ये बोलो कि भई समय नहीं है इन चीज़ों के लिए, समय निकल जाता है। मन में एक जुनून होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए कि हमें ये काम करना है, तो कोई भी काम हो वो असंभव नहीं होता है। तो अपने घर में हवन वगैरह पूजा पाठ वगैरह ज़रूर से करवाने चाहिए। एक तो बहुत ही मन को शांति भी मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्स भी मिलती है। मेरे को तो है ना सच में बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना या हवन करवाना, सत्यनारायण की कथा करवाना, ये सब है ना मेरे को। वैसे भी मेरे कई ज़्यादातर व्लॉग्स में ना भजन और कथाएं वगैरह सुनने को मिली जाएंगी आपको, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं दिखा पाती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है फिर। तो ये जो चीज़ें हैं ना आप मतलब आप लोगों को भी करते रहना चाहिए। आई थिंक जो भी जिस मजहब से है ना जुड़ा हुआ है ना, उनको अपने मजहब के लिए अपने धर्म के लिए करना चाहिए। मतलब उसको ना क्या कहते हैं उसको, कि अपने घर में जैसे कीर्तन भजन वगैरह भाई कथा वगैरह ये चीज़ें जैसे भी आपको पॉसिबिलिटी हो वैसे करवाते रहना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है, बड़े बुजुर्गों का ना आशीर्वाद मिलता है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, और एक बहुत ही अच्छी इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है ना घर में, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है। एक अपने घर में नहीं आसपास के पूरे सराउंडिंग में ना बहुत अच्छी एक पॉजिटिव वाइब्स हो जाती है। तो ये चीज़ें आई थिंक करवाते रहना चाहिए, मैं करवाती रहती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, और अपने और अपनों के लिए, अपने मित्रगणों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने देश के लिए हमेशा खुश रहिए, और कुछ ना कुछ सबके लिए करते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।